हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चले आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के क्वेश्चनों पर आधारित। और यहां पे आज का सेशन में हम लोग जो भी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे वो है एनसीईआरटी पर आधारित होगा। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या बोलता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस, यानी कि क्या बोलता है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसका फोर ऑप्शन देकर रखा हुआ है कि फोर ऑप्शन में हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो करेक्ट है उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तब जानकारी हो पाएगा कि ये कौन सा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग के सामने में क्या दे के रखा हुआ है क्वेश्चन, वी हैव, ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन दे के रखा हुआ है कि 9 sec² a, ठीक है, 9 sec² a, क्वेश्चन में यहाँ पे a है, माइनस 9 tan² a, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ करते नहीं हम लोग, 9 को अलग कर देते हैं और यहां से क्या करेंगे, sec² x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 plus tan² a, ठीक है। ये फॉर्मूला तो सबको मालूम है, माइनस क्या हो जाएगा यहां से, ये जस का तस रहेगा 9 tan² a, ठीक है। अब देखिए इस 9 को दोनों से इंटू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 1 9 और यहां से क्या हो जाएगा, 9 tan² a, ठीक है। और ये जस का तस ऐसे ही रह जाएगा, 9 tan² a, ठीक है। देखिए ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा ना, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसल आउट हो गया तो हम लोग का आंसर जो है कितना आ जाएगा, 9 आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में करेक्ट आंसर है, देखिए सेकेंड वाला ऑप्शन जो है हम लोग का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अलग कलर पेन से जो है बॉक्स कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए, और यहाँ पे ऑप्शन में भी हम लोग टिक लगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देखते हैं। देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस, यहां पर भी क्या बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए वी हैव का मतलब होता है हम लोगों के पास में है, क्या है भाई, 1 plus, क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, सेक थीटा, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा, इनटू में है 1 plus cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने का एक बेसिक सा रूल है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको तोड़ दिया जाए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जो भी लार्जेस्ट फॉर्म रहता है उसको छोटा रूप में तोड़ दिया जाता है। बोलने का मतलब ये हो जाता है कि टेन थीटा को हम लोग क्या, साइन थीटा वाई कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पिछला वाला क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग का एक यहाँ फॉर्मूला लिखना भूल गए थे, ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होता है, 1 plus tan² a इक्वल टू क्या होता है, sec² a, है ना। तो इसी का फॉर्मूला को हम लोग यूज करके यहाँ पे सॉल्व किए, ठीक है। तो चलिए हम लोग का यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन में था, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया इसको, यहां पर भी क्या करेंगे हम लोग, इसको भी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, और माइनस कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन थीटा। यहां तक समझ आ गया सबको, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़े। अब इसको एलसीएम लेके यहां से हम लोग काम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम तो कॉस थीटा होगा ना, यहां चलिए ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा यहां से, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब हुआ ना, तो 1 और cos थीटा को जब डिवाइड कीजिए तो cos थीटा होगा, और cos थीटा को 1 से इंटू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, cos थीटा, ठीक है, सबको ये बात तो मालूम है। अब यहाँ पे इस cos cos सेम है तो ऊपर में भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ पे सेम हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, सेम टू सेम रहेगा ये चीज। चलिए यहां पर भी क्या करते हैं, साइन और साइन का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ से एलसीएम हो जाएगा। यहां पर भी कुछ नहीं है, नीचे में 1 है, इसका मतलब कितना जाएगा, सभी को एलसीएम लेने और इसको एडिंग करने तो सबको आता है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक सा चीज है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यहां से, 1। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं,
एक बात को समझिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू कर देते हैं। चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ध्यान से देखिए यहां पे, ये क्या, यहां से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये प्लस वन, ठीक है। चलिए इसको भी क्या हम लोग कॉस को पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले हम लोग कॉस को लिख देते हैं प्लस, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा यहां से माइनस वन, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, बस इंटू किए हैं दोनों को, ठीक है। अब एक बात को समझिएगा, चलिए अलग कलर पेन से यहां पे हम लोग लिख देते हैं इस चीज को, देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं हम, इतना सा चीज को ए मानिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इसको मानते हैं ए, तो ये भी क्या हो जाएगा ए, ठीक है, और ये प्लस वन जो वन है ना इसको बी मान देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला हमको नजर आ गया, ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला नजर आ गया, यहां से एक फॉर्मूला नजर आता है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा दिख रहा है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, फॉर्मूला नजर आ गया ना यहां से। तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला में जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला चला जाता है। तो यहां पे कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन, वन का क्या हो जाएगा यहां से बी स्क्वायर, डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा, ये हो जाता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हम यहां पे क्या बोले, समझ में आया, देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को पूरा को क्या मानना पड़ेगा, ए मानना पड़ेगा, और ये है वन, वन को क्या मानेंगे बी, तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला चला गया, ठीक है। यहां पे हम लिख देते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए अब यहां पे चेंज किए हैं कलर को ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर में लेके चलते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए बी, टू ए बी क्या हो जाएगा यहां पे साइन थीटा, ठीक है ना, और ये माइनस वन का होल स्क्वायर, तो यहां से वन का होल स्क्वायर तो वन ही रहेगा। यहां से देखिएगा, यहां पे हम क्या किए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में हम लेके चले गए इसको, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है ना, और ये माइनस वन का तो वन ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब नीचे में हम लोग का क्या हो जाता है, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिएगा यहां से एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं है ना, ए स्क्वायर, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, वन होता है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे, और ये कितना हो जाएगा प्लस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई, यहां पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू। चलिए हम इसको यहां पे लिख भी देते हैं, ये क्या हो रहा है फॉर्मूला, यहां पे ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है, ये तो सभी को मालूम है ना, ठीक है। तो देखिए इसके जगह पे हम लोग कितना लिखें, वन लिखें और जस का तस उतार, देखिए वन प्लस वन और ये माइनस वन कट जाएगा, तो नीचे में क्या बच जाता है ऊपर में, टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टू बचेगा। अब दो ऑप्शन कहां पे हम देखिए, ये थर्ड नंबर में है टू जो है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा में। चलिए फिर समझते हैं, कुछ नहीं किया, फर्स्ट स्टेप में आते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड
सेकंड स्टेप में क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया इसको, टेन का साइन बाई कॉस में सेक का वन बाई कॉस, कॉट का कॉस बाई साइन और कॉसेक का वन बाई साइन, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं हम लोग, थर्ड स्टेप में जो है एलसीएम लेकर हम लोग सारा काम किए, ठीक है। फोर्थ स्टेप में आ जाते हैं, फोर्थ स्टेप में एक एक फॉर्मूला जैसा नजर में आया है, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हम माने क्या, स्मॉल ए माने और वन को बी माने। तो यहां से यहां तक देखिए ए जैसा दिखाई दे रहा है और ये बी जैसा दिखाई दे रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हम क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है। तो ए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हम लोग क्या माने हैं, स्मॉल ए माने, तो ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस और वन जो है वो बी का स्क्वायर। नीचे में जस का तस, फिर से इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में हम लेकर के गए यहां से, तो फॉर्मूला में तोड़ दिए। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, वन होता है, तो वन और ये वन कट गया, ठीक है। और थर्ड स्टेप में फाइनल जो आंसर हम लोग का लास्ट स्टेप में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस, फिर से करेक्ट ऑप्शन को चूज करने बोल रहा है, लेकिन ऐसे कैसे जान जाएंगे, बिना सॉल्व करके कोई नहीं जान सकता है ना। तो चलिए सबसे पहला बात हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला बात इसको क्या है, वी हैव हम लोगों के पास में क्या है, देखिए सेक ए, देखिए क्वेश्चन में क्या होगा प्लस होगा, ठीक है, यहां पे क्या होगा प्लस टेन है, टेन है, ठीक है, और ये हो जाएगा वन माइनस साइन है। ये क्वेश्चन है हम लोग सामने, ट्रिगोनोमेट्री को बनाने के लिए सिंपलेस्ट सा फॉर्मूला है, चाहे बेसिक बोलिए चाहे लॉजिक बोलिए चाहे जो बोलना है बोलिए, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दीजिए सबसे पहले, वो अपने आप रास्ता दिखाई देगा, ठीक है। चलिए तो सेक का क्या हो जाएगा, वन बाई कॉस, ठीक है। टेन ए का क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म साइन ए बाई कॉस है, कॉस है, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, इसको ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है ना, साइन को आप किस में तोड़ेंगे, किसी में तो तोड़ना है नहीं, ये सिंपलेस्ट में ही है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस ए ही हो जाएगा ना, और ये ऊपर में वन माइनस साइन है, ठीक है, यहां पर भी वन माइनस साइन है, ठीक है। अब यहां पे एक बात हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक चीज देख सकते हैं, ये क्या है, दो है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये चीज हम लोग का ये प्लस में है, ठीक है। तो ये कैसा फॉर्मूला जा रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में जा रहा है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, और नीचे में तो कॉस ए ही रहेगा, ठीक है। अब बोलेगा सर ये कहां से आ गया, तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है, होता है ना। चलिए अब इसको पूरा को हम लोग क्या माने हैं, इसको माने हैं a, ठीक है। तो a देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, पूरा को हम लोग a नहीं मानते हैं, ठीक है, तो यहां पे करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए ये हो गया ए और ये हो गया बी, है ना। चलिए अलग कलर पेन से मैं लिख देता हूं ताकि समझ पा जाए। चलिए तो ये हो जाता है ए और ये हो जाएगा बी, ठीक है, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो वन को ए माने साइन ए को बी माने, तो यहां से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से एक बात समझ में आना चाहिए आप लोग को भी, कौन सा बात, फिर से वह एक फॉर्मूला को हम याद दिलाना चाहेंगे आप लोगों को कि वन माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब बोलेगा कि सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया, कहीं से नहीं आया ये, देखिए ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अगर फॉर्मूला वाला सेशन नहीं देखे हैं तो जाकर के फॉर्मूला वाला सेशन को देख लीजिए, इसका वैल्यू कितना होता है वन। बस एक ही फॉर्मूला से हम लोग चार पांच फॉर्मूला यहां से निकाल सकते हैं, हम लोग को क्या चाहिए अभी, वन माइनस साइन स्क्वायर है। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको तो वन को तो वन ही रहने देंगे ना, ठीक है, इसको लेके चलो उधर, तो माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर,
होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो हम 1 - sin² है इक्वल टू क्या होता है, cos² है। तो हम क्या लिख दिए यहां से, cos² लिख दिए ना, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे 2 को cos है, यहाँ पे 1 को cos है, ठीक है। तो 1 cos ऊपर का, 1 cos नीचे का, ये कैंसल आउट हो जाएगा ना। तो ये देखिए हम लिख के भी दिखा दे रहे हैं, cos 1 कितना है वहां पे, 2 को है, ऊपर में 2 cos है, ठीक है, cos·cos है, और नीचे में कितना है, सिर्फ 1 cos A। तो 1 cos 1 cos कट जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा आंसर, cos A आंसर आ जाएगा। तो cos A कहाँ पे है, लास्ट नंबर, 4 नंबर, ठीक है। तो चलिए अलग कलर से इसको हम लोग लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर आ जाता है वो cos A जो है आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग को चूज द करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है, लेकिन बिना सॉल्व करके तो ऑप्शन चूज होगा नहीं। तो सबसे पहला बात, वी हैव यहां पे क्या हो जाएगा, वी हैव में क्या है क्वेश्चन, 1 + tan² a डिवाइडेड बाई 1 + cot² a, ठीक है। चलिए यहां पे 1 को तो 1 ही रहने देते हैं, और इस टेन स्क्वायर ए को कॉट में इसको चेंज कर देते, तो क्या हो जाएगा, 1 बाई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, cot² होगा ना, टेन का ऑपोजिट होता है कॉट, तो हम लोग क्या कर दिए, टेन को ऑपोजिट कर दिए कॉट में। नीचे का 1 + cot² a वो तो सेम ही रहेगा, आई बात समझ में आता है, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को एलसीएम ले लीजिएगा, तो जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो cot² a और 1, एलसीएम कितना जाएगा, cot² a, यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cot² a + 1, ठीक है। और नीचे में क्या हो, यहां पे हम लोग का है 1 + cot² a, ठीक है। एलसीएम लेना तो आप लोग को आता ही होगा, इतना तो हम समझ सकते हैं आप लोग को, ठीक है। तो चलिए यहां पे हम लोग ठीक से लिख देते हैं, चलिए तो क्या कहते हैं, 1 + cot² a डिवाइडेड बाई नीचे में कितना है, नीचे में है cot² a, ठीक है। अब देखिएगा ये वाला कितना हो जाएगा, 1 + cot², हम कुछ नहीं किए हैं, कॉट स्क्वायर पहले था, इसको बाद में कर दिए फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो देखिए 1 + cot² है, और ये वाला 1 + cot² है, क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल कैंसल आउट हो जाएगा ना। तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये बच जाएगा हम लोगों के सामने में 1 by cot² है, ठीक है। तो क्या होगा, 1 by cot² है क्या होता है, देखिए 1 by cot² है, यहाँ पे पहले चेंज किया था ना, क्या होता है, टेन स्क्वायर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ये लिख सकते हैं tan²a, ठीक है। तो कौन सा आंसर चला गया हम लोग के सामने में, लास्ट वाला ऑप्शन जो है हम लोग के सामने में करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, आई बात समझ में, कुछ नहीं किया गया, फिर से देखते हैं। तो यहां से क्या है, टेन को जो है कॉट में चेंज कर दिया, 1 by cot² है, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद ये ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है कि 1 + cot² है, और नीचे में क्या, 1 + cot² है, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, क्या रिमाइंडर हो जाएगा यहां से, 1 by cot² है, 1 by cot² है, क्या होता है आंसर, tan². तो हम लोग का लास्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं।